के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ मैं कहूंगा गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था, ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था, ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी, मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है, सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने, जवाहरलाल नेहरू जी 10 मई 1961 जवाहरलाल नेहरू टेल्स, आई अटैच नो इंपॉर्टेंस एट ऑल टू दिस लिटिल आइलैंड, आई वुड हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग इट अप आवर क्लेम्स ऑन इट, आई डू नॉट लाइक दिस पेंडिंग मैटर इनडेफिनेटली एंड बीइंग रेज्ड अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ मी। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास, इस भूमि का क्या महत्व है हमारे लिए।